दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे छोटे से YouTube चैनल फैक्ट शेयर पर। दोस्तों एक ऐसा देश जहां की राजधानी एक नहीं बल्कि तीन तीन शहर है, इस देश का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, AB डिविलियर्स। अब तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस देश के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों इस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका का 11 अलग अलग भाषाओं में ऑफिशियल नेम है, पर इंग्लिश लैंग्वेज में इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। और अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूँ तो यह लिस्ट थोड़ी लंबी है, क्योंकि इस देश की तीन तीन राजधानियां जो है, पहली केप टाउन, दूसरी ब्लोचफोंटेन और तीसरी प्रिटोरिया शहर। वहीं यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है जोहानसबर्ग, जो काफी ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। इस देश की एक तो नहीं बल्कि 11 आधिकारिक भाषाएं हैं। रोमांचक लाइफस्टाइल के लिए मशहूर ये पूरा देश फैला है 12,21,037 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। अगर इस देश की मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 6 करोड़ लोग रहते हैं। जैसे अपने देश में रुपए इस्तेमाल होता है, वही पैसे के रूप में साउथ अफ्रीका के अंदर रैंड या रैंड चलता है, और एक रैंड भारतीय रुपए में 4.70 रुपए के बराबर है। दोस्तों साउथ अफ्रीका के बारे में और अमेजिंग फैक्ट जानने से पहले, अगर आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। दक्षिणी महाद्वीप के अगर सबसे विकसित देशों की बात हो तो उसमें सबसे पहला नाम आता है साउथ अफ्रीका का, और ये देश तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति जो चाहे धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि यह एक धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, और जो गरीब है वह गरीबी रेखा से भी नीचे है। तभी तो यहाँ 25% आबादी करोड़पति है, तो वहीं 75% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे अपना जीवन बिता रही है, जिसकी एक बड़ी वजह है घूसखोरी और रिश्वतबाजी। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अधिक व्हाइट लोग रहते हैं। अफ्रीकी जनजातियों के अलावा यहाँ कई एशियाई देशों के लोग भी रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारत से आए हुए लोगों की संख्या है। यहाँ की 80% पॉपुलेशन ईसाई धर्म को मानती है। 11 आधिकारिक भाषाओं के चलते इसे रेम्बो नेशन भी कहते हैं, जिसमें इंग्लिश, अफ्रीकी, सेस्तवाना और सफरेटी जैसी भाषाएं शामिल है। लेकिन जोलो भाषा 25% आबादी बोलती और समझती है। दोस्तों दुनिया का लगभग आधा सोना यानी कि गोल्ड जो अभी तक निकाला गया है, वो दक्षिण अफ्रीका के विट वाटर सैंड में पाया गया है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में चुने गए सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अश्वेतों के हक के लिए पूरे जीवन भर लड़ाई लड़ी। HIV जैसी गंभीर बीमारी के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस इसी देश में गिने गए। यहाँ की तीन राजधानियों में से एक केप टाउन शहर में टेबल माउंटेन को पृथ्वी के सबसे पुराने पहाड़ों में गिना जाता है, जहाँ पर पौधों की 1500 से अधिक प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनसे अनेकों दवाइयाँ भी बनती हैं। भले ही इस देश में 75% लोग गरीब है, लेकिन प्लेटिनियम जैसी बहुमूल्य चीज दक्षिण अफ्रीका में पूरी दुनिया का 90% निकलता है, और पूरे वर्ल्ड में प्लेटिनम यही एक्सपोर्ट करता है। इस देश की खूबसूरती दिल मोह लेने वाली है। विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा झरना तोगेला फॉल भी यहीं पर गिरता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,800 मीटर की है। यहाँ पर समान लिंग में शादी करने की आजादी मिलती है, जिसे कानूनी रूप से साल 2006 में मंजूरी दी गई, और इस बात के लिए यह अफ्रीका का पहला साथ ही दुनिया का 5वां ऐसा देश बना। इस देश में आदि मानवों के 1,60,000 साल पुरानी अवशेषों की खोज हुई है। दक्षिणी अफ्रीका दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश है, जहाँ पर जंगल से क्षेत्रफल ढके होने के कारण पक्षियों के 900 से अधिक प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही सर्दियों में यूरोप से कई पक्षी प्रवास करके यहीं पर डेरा डालते हैं। इस देश के बीचेस को काफी ज्यादा साफ माना जाता है, और यहाँ के लोग
गर्मी से बचने के लिए इन किनारों पर खूब मौज मस्ती करते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में नौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं, जो इसे और आकर्षक और ऐतिहासिक बना देती हैं। तो दोस्तों, अगर दक्षिण अफ्रीका का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।